दोस्तों, अगर आप लोग भी इसी तरह गूगल एडसेंस से स्मार्टली अर्निंग करना चाहते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैं आप लोगों को शो करवा रहा हूँ, अगर आप लोग इसी तरह गूगल एडसेंस से अर्निंग करना चाहते हैं और स्मार्टली अर्निंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करें। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे ले सकते हैं सिर्फ एक सिंगल पेज की वेबसाइट बनाकर, जो कि टूल वेबसाइट होगी, और आप इजीली जो है अच्छी खासी अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ इस तरह की आप स्मार्टली अर्निंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग कम्प्लीटली जो है टूल वेबसाइट, सिंगल पेज की टूल वेबसाइट बनाकर उस पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे ले सकते हैं इजीली। कॉपी पेस्ट में आप लोगों को बताऊंगा और इजीली आप लोग जो है यहाँ से अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। तो चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब चैनल के फैमिली मेंबर बन जाएं, और ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करने वाले पर, ताकि आपके पास इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इजीली मिल सके। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर आओ तो यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले भी यहाँ पर आप लोगों को एक जो है स्मार्टली टूल वेबसाइट जो है बनाना सिखाई थी, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वाली वीडियो है वो, ठीक है। इसको भी देख के आप जो है वो इजीली एक क्लिक में जो है स्क्रिप्ट अपलोड करके टूल वेबसाइट प्रोफेशनल वाली बना सकते हो। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो इस तरह की मैंने वेबसाइट आप लोगों को जो है वो बनाने सिखाई थी। यहाँ पर देख सकते हो एक ही क्लिक में टूल वेबसाइट जो है स्क्रिप्ट वगैरह अपलोड करके यहाँ पर आप इजीली जो है इस तरह की प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे ले सकते हैं और गूगल एडसेंस अर्निंग कैसे कर सकते हैं एक सिंगल पेज की टूल वेबसाइट बनाकर, बिल्कुल कॉपी पेस्ट वर्क होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आ जाने आप लोगों ने चैट जीपीटी पर, ठीक है। इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये एक एआई रोबोट है, ठीक है। आप लोगों ने हमने इसकी हेल्प से जो अपना एक टूल वेबसाइट जो है सिंगल पेज वाली क्रिएट करनी है, ठीक हो गया। आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा चैट जीपीटी का, आप लोगों ने इस पर आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसको कमांड देनी है। सिंपल कॉपी पेस्ट वर्क मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको कमांड देनी है जो मैं आप लोगों के सामने अभी टाइप करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों ने चैट जीपीटी को एक अच्छी सी कमांड देनी है। यहाँ पर आप लोगों के सामने मैंने इसको कमांड दिया, प्लीज़ गिव मी अ प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर टूल कोडिंग फॉर ब्लॉगर। आप लोगों ने इस तरह की एक कमांड देनी है। आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद एंटर के बटन पर क्लिक कर देना, ठीक है। यानी यहाँ पर आप लोगों ने प्रेस कर देना और इसको कमांड देनी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह आप लोगों के सामने इस तरह का एरर आ जाता है तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश मार लेना, ठीक है। रिफ्रेश मारने के बाद दोबारा आप लोगों ने जो है कमांड टाइप करनी है, ये एरर वगैरह आ जाता है, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं है, तो आप लोगों ने इसको रिफ्रेश मार लेना है। उसके बाद रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो ये आप लोगों को वेरीफाई करेगा कि आप वाकई एक ह्यूमन हो। यहाँ पर देख सकते हो वेरीफाई कर रहा है। तो दोस्तों, सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो न्यू चैट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर दोबारा हम अपनी कमांड देते हैं और यहाँ पर इसको एंटर के बटन पर प्रेस करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के सामने है, देख सकते हो ये हमें जो है जल्दी जल्दी हमें कोडिंग जो है वो दे देगा बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पर देख सकते हो एआई रोबोट, आप लोगों को कॉपी पेस्ट करना है सिर्फ और स्मार्टली काम करना है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसने जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो है इसको कमांड सही तरीके से देनी है। तो पहले कमांड सही नहीं दी थी, यहाँ पर आप लोग दोबारा देख लो कि इस तरह की आप लोगों ने कमांड देनी है, ठीक है। अब जैसे ही आप जो है इसको इस तरह की कमांड दोगे, आप लोगों ने क्या इंटर प्रेस कर देना है, ठीक हो गया। यहाँ पर हम इंटर प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमें कोडिंग जो है वो जो है कॉपी पेस्ट करके दे देगा यहाँ पर, यानी कि ये कोडिंग जो है प्रोफेशनल जो हमें दे देगा यहाँ पर। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। स्मार्टली वर्क करना है आप लोगों ने गूगल एडसेंस का अप्रूवल में, आप लोगों को बताऊंगा, इजीली मिल जाएगा सिंगल पेज वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इस यहाँ पर कॉपी कोड के बटन पर क्लिक कर लेना, ठीक है। ईजी है यार, सिंपल यहाँ पर आपने कॉपी करना है और वहाँ पर जाके पेस्ट कर देना। अब आप आने आ जाना अपनी ब्लॉगर वेबसाइट पर। दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं एक स्क्रिप्ट अपलोड करके, तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अपने ब्लॉगर पर। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, एक न्यू वेबसाइट क्रिएट करनी है। सॉरी, यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों हमने क्या है, एक न्यू ब्लॉग क्रिएट करना है जिसका नाम मैं ले देता हूँ सिंगल, ठीक है, सिंगल पेज टूल वेबसाइट, ठीक है, हो गया। दोस्तों यहाँ पर मैं डेमो के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने रैंडमली कोई भी नाम चूज़ कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो है एक डोमेन एड्रेस मिल चुका है सिंगल टूल साइट के नाम से। यहाँ पर हम इसको सेव के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लाइव आप लोगों के सामने जो है इसको अपलोड करके दिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों एक सिंगल पेज पे भी आप लोग गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं इजीली। कॉपी पेस्ट वर्क मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पर आप स्मार्टली वर्क करके अर्न कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाई। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है थीम के बटन पर।
जैसे ही आप थीम के बटन पर आओगे यहाँ पर आप लोगों को कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान करना है कि आप लोगों ने इस बटन पर क्लिक कर लेना है जिसको मैं आप लोगों को हाईलाइट करवा रहा हूँ। तो आपने इस पर क्लिक करके और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, रिस्टोर के बटन पर क्लिक करना है, नहीं सॉरी यहाँ पर आप लोगों ने एडिट HTML के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है, इस पर नहीं करना, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने एडिट HTML के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर इसको जो है सेलेक्ट ऑल करना है, ठीक है, जिस तरह मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। और बैक स्पेस बनर जो हमने कोड कॉपी किया था यहाँ पर आप लोगों ने पेस्ट कर देना है और सिंपली सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। देख सकते हो कॉपी पेस्ट हमारा हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा सेव हो चुका है। अब हम बैक चलते हैं और यहाँ से अगर दोस्तों हम अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने जो है इस पोस्ट पर आ जाना, ठीक है। पोस्ट पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर हम न्यू पोस्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर हम इसको जो है टाइटल दे देते हैं सिंगल टूल सिंगल पेज, सॉरी यहाँ पर मैं एक टाइटल दे सिंगल पेज टूल साइट, ठीक है। यहाँ पर हमने आपने क्या करना है, यहाँ पर इस पेंसिल के बटन पर क्लिक करना है, HTML व्यू के बटन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों ने जो कोड कॉपी किया था यहाँ पर आप लोगों ने पेस्ट कर देना है और यहाँ पर सिंपली जो है पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक हो गया दोस्तों। अभी लाइव देख सकते हो यहाँ पर हमने जो है व्यू के बटन पर क्लिक किया, अभी यहाँ पर आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर अपलोड कर दिया, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हमने कुछ गलत कर दिया। तो हम बैक आ जाते हैं दोबारा से चैट GPT पर चलते हैं। दोस्तों जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने इसको कोड जो है कमांड सही देनी, यहाँ पर देख सकते हो अब मैंने यहाँ पर इसको लिखा है HTML JavaScript कोडिंग। अब देखते हैं दोस्तों क्या बनता है। यहाँ पर हम इंटर के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमें HTML और जावा में जो है दे देगा, क्योंकि ब्लॉगर जो है वो इसी को सपोर्ट करता है। पहले जो दोस्तों हमने बनाई थी ये देख सकते हो पाइथन में थी, तो पाइथन सपोर्ट नहीं करता ब्लॉगर। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना कमाल का यहाँ पर ये जो है बना कर दे रहा है हमें। सिंपल हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लेना है यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक वगैरह हो जाती है, आप लोगों ने इग्नोर करना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो है फुल टूल बन चुका है। यहाँ पर आप लोगों ने उसी तरह उसी स्टेप को फॉलो करते हो, यहाँ पर आप लोगों ने कॉपी कोड के बटन पर क्लिक करना है। कॉपी कोड के बटन पर क्लिक करके दोबारा से आ जाना है अपनी ब्लॉगर साइट पर और यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा सेटिंग पर जाना है। थीम पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने एडिट HTML के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको जो है सारा सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पर बैक स्पेस कंट्रोल वी प्रेस करना है और यहाँ पर आप लोगों ने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो हमारा सेव हो चुका है, ठीक हो गया। अब हम बैक आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो कि हमने पोस्ट क्रिएट की उसी पर आप लोगों ने आ जाना है। यहाँ पर दोबारा एडिट HTML के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों ने वो कोड जो हमने कॉपी किया था ChatGPT से यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली पेस्ट कर देना और यहाँ पर ध्यान रखना है ब्लॉगर जो है JavaScript और HTML को सपोर्ट करता है, पाइथन को सपोर्ट नहीं करता, जो कि हमें पिछले में इसने एरर दे दिया था। तो अब दोबारा जाते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश मारते हैं और यहाँ पर आप लोगों के सामने देख सकते हो कि यहाँ पर ईजिली हमारा एक टूल सिंगल पेज टूल वेबसाइट बन चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसको प्रोफेशनल भी बना सकते हो कोडिंग, वहाँ से आप उसको ChatGPT का यूज़ करते हो उसको प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली डाउनलोड लिंक देना है, डाउनलोड वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पर जो है आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी आराम से। यहाँ पर दोस्तों सिंगल पेज वेबसाइट पर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल इजीली ले सकते हो और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने इसको जो है प्रोफेशनल तरीके से इसको डिज़ाइन करना है, लुक देनी है इसको। अगर दोस्तों मैं आप लोगों को ये जो है स्टेप बताने बैठ गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आई होप सो ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से आप लोगों ने जो है सिंगल पेज वेबसाइट बनाकर उस पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लेना। अब दोस्तों एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेना है, यहाँ पर आप लोगों ने अर्निंग के सेक्शन पर आना है और यहाँ पर आप लोगों यहाँ पर आके यहाँ पर जो है उसको टूल को अच्छे तरीके से कस्टमाइज करके यहाँ पर आप लोगों ने एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। आप लोगों को इंशाल्लाह गूगल एडसेंस अप्रूवल दे देगा। सिंगल पेज वेबसाइट पर ईजिली यार अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया तो मिस्टेक वगैरह होती रहती हैं, ठीक है। पहले हमने पाइथन की कोडिंग जो यहाँ पर दी थी, अब हमने जावास्क्रिप्ट और जो है HTML की कोडिंग दी है क्योंकि ब्लॉगर इसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं। आई होप सो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, ये जो है स्टेप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को माइंड में समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, ठीक है। और वीडियो कंप्लीट वॉच करा करें और यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। 80-90% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ऑल पर, ताकि आपके पास इसी तरह की हेल्पफुल कंटेंट आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।
और दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक और बात ऐड करता चलूँ मैं, यहाँ पर जो ये हमने जो टूल मैंने आप लोगों को बता के दिखाया सिंगल पेज का, यहाँ पर अभी इसकी कस्टमाइजेशन नहीं हुई। तो आप लोगों ने कस्टमाइजेशन तरीके से यानी कि चैट जीपीटी का यूज़ करते हो, यहाँ पर आप लोगों ने इसकी कस्टमाइजेशन करनी है प्रो लेवल का इसको बना के, और दो तीन चार पेजेस ऐड करके, जिस तरह अबाउट अस डिस्क्लेमर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ऐड करके, यहाँ पर आप लोगों ने इसको प्रोफेशनल लुक दे के एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना है, आपको हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।